मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और ये कार्यक्रम कई सालों से चल रहा है कि बहुसंख्यक किस तरीके से इकट्ठा हो। आज इतना बड़ा संगठन, भाई 3 साल हमें भी हो गया दिल्ली में आकर के, और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपके इस कार्यक्रम में पहुंचूं। मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आज हम सभी लोग इस मंच पर आकर के जिस तरीके से इकट्ठा होने के लिए कि हम सभी लोग इकट्ठा हों, लेकिन हमें आपको आपस में विरोध नहीं करना चाहिए और आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हमें सीखना चाहिए इस संगठन के माध्यम से, जिस तरीके से यह संगठन, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, अन्य गरीब तबके के लोग इकट्ठा होने की जो बात हो रही है, तो हम सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल हमारे भारत देश में हैं, अदर प्रांतों में हैं, सबका अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन आज ये बहुसंख्यक का जो ये सेमिनार चल रहा है, अभी हमारे वकील साहब ने कहा राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए, बिल्कुल सही है। राजनीतिक पार्टी बगैर राजनीति के कुछ होने वाला नहीं है। आज मैं एक छोटे से किसान परिवार का बेटा था, मैं भी कभी नहीं सोचता था कि मैं सांसद बनूंगा, लेकिन मेरी एक सोच थी। और जब मैं अपने घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर गया, मुझे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन लोगों ने अपना बनाया। आज उसी तरीके से मैं अपील करूंगा कि आज ये जो संगठन है, हम सभी लोगों को इकट्ठा करने का जो कार्यक्रम है, हो सकता है राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, आज जो वर्तमान की सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी है, भाई बहुजन समाज पार्टी हो, लेकिन मैं वर्तमान में जो सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी, मैं एकाध बिंदु आपके बीच में रखना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी जिताने वाला कोई दूसरा नहीं है, यही बहुसंख्यक है। आज जिस तरीके से सामान्य वर्ग की आबादी, हम सभी लोग अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से बोलते हैं कि जिनकी आबादी मात्र 20% है, वो सरकार बना ले रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक इतनी बड़ी संख्या में होकर के 80% 85% की आबादी में होकर के उस राजनीतिक सरकारों से दूर हो रहे हैं, ऐसा कारण क्या है? तो हम सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, आपस में भाईचारा बनाना पड़ेगा। अगर हम सभी लोग आज जिस तरीके से हमारे भारत देश में जातियों में बटा हुआ जो समाज है, समाज से ही दूरियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन हमें उसको भी दूर करना पड़ेगा। आज अगर हम जातियों में बटे रहेंगे, मुझे भी नहीं पता ये जातियां कब से बनी हैं, लेकिन मैं भी जब से आपके इस संगठन में, बहुसंख्यक कार्यक्रम में मैं आया, मुझे भी काफ़ी जानकारियां हुई। आज मैं कभी भी जाति की बात नहीं करता, मैं समाज की बात करता हूं कि हम सभी लोग एक हैं। अगर हम सभी लोग इस बात को करेंगे, अभी मैडम बोल रही थी कि जातियां मात्र 2 हैं, स्त्री और पुरुष, अगर इस बात को हम करेंगे तो हमें लगता है कि जो हमारी बहुसंख्यक की सोच है कि हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है, उसके बाद भी हम कमज़ोर क्यों हैं,
ये सारी कमी हमारे आपके अंदर है। मैं आपसे अपील करूंगा, जहां तक जातीय जनगणना का सवाल है, अभी हमारे पूर्व सांसद जी ने बताया कि हम सभी लोगों ने कई बार सदन में जो 1931 की जनगणना हुई थी उसके बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं कराई गई और हम सभी लोग पिछड़ रहे हैं। आज जब हम सभी लोगों ने सदन में उठाने का काम किया तो वर्तमान की भारत की सरकार ने अपना सारा बोझ प्रदेश की सरकारों पर थोप दिया कि अब हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, पूरी पावर प्रदेश की सरकार को देने का काम कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ भी सरकारें चल रही हैं, चाहे जिस जो भी पार्टियाँ हों, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। आज इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, हमें लगता है कि हमारे देश में छोटे छोटे प्रांतों को, 7-8-10 प्रांतों को जोड़ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश अकेले। आज वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लगभग 23 से 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमें राजनीतिक बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम राजनीति में सफल नहीं होंगे, अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा आपका कोई सुनने वाला नहीं है। इस पर हमें आपको विचार करना पड़ेगा। लेकिन जब चुनाव आता है, आज बहुसंख्यक बैठा है यहाँ पर, कभी कभी हिंदू मुसलमान की बात आ जाती सामने, और जब जो हमारा बहुसंख्यक समाज है, विशेष रूप से जो हिंदू समाज है, अगर कहीं नाम ले लिया जाता है कि मुस्लिम, तो हिंदू एकजुट होने का काम करता है, वहाँ भूल जाता है। तो आज हमें आपको राजनीतिक बनना चाहिए। सबसे बड़ा कारण क्या है जो हम पिछड़े हैं? शिक्षा। शिक्षा का जितना बड़ा अभाव है, आज शिक्षा की जो कमजोरी हमारे आपके अंदर है, जहाँ से मैं सांसद हूँ श्रावस्ती से, आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जनपद है, 2 जनपद आता है, बलरामपुर और श्रावस्ती। मैंने देखा कि जिस तरीके से 17 साल 16 साल 15 साल के बच्चे घर से पलायन करने का काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरी जगह जाने का काम करते हैं नाबालिग अवस्था में, ये अगर कमी है तो शिक्षा की कमी है। अगर शिक्षा होती तो हमारे नाबालिग बच्चे मजदूरी न करते, अगर पढ़ते शिक्षित होते तो हमें लगता चाहे वो व्यापार करते उनका घर आगे बढ़ता, लेकिन आज ना वो पढ़ पा रहे हैं, ना वो शिक्षित हो रहे हैं, ना वो सामाजिक बन पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो शिक्षा का अभाव। आज जिस तरीके से आप सभी लोगों की मंशा है कि आज ये बहुसंख्यक जो सम्मेलन हो रहा है, जो सेमिनार हो रहा है, तमाम ऐसे संगठन आपका सहयोग करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व सांसद जी ने बताया कि हमारी भी जिम्मेदारी दीजिए, बिल्कुल सही है। आप सभी लोग भाई दिल्ली को छोड़ करके, दिल्ली में हम लोग तो आते हैं, आप सभी लोग पूरे देश में जहां भी हम सभी लोगों को बुलाने का काम करेंगे, कोई निर्देश देने का काम करेंगे, हम सभी लोग पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन आज हर जनपद में, हर प्रदेश में बहुसंख्यक का संगठन होना चाहिए। अगर नहीं होगा भाई, दिल्ली में हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हमारे तमाम जो जिम्मेदार साथी हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो एडवोकेट हों, चाहे इस संगठन के समर्थक साथी हों, चाहे वो नेतागण हों, यहाँ तो आ जाते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को अगर इस संगठन को आगे बढ़ाना है
तो जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इस बहुसंख्यक को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग आपके साथ हैं। आप सभी लोगों का दिशा निर्देश जो भी मिलता है, हम सभी लोग पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ सदन में उठाने का काम करते हैं। लेकिन जब आपकी बहुमत नहीं होगी, अभी किसान बिल था, आप सभी लोगों ने देखा, तमाम ऐसी जो छोटे छोटे दल हैं, विरोधी पार्टी के लोग हैं, सभी लोगों ने विरोध किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे मीडिया के भी साथी हैं, जब किसान विरोधी काला कानून सदन में पास हो रहा था, हम सभी लोग विरोध करने का काम कर रहे थे। लेकिन वर्तमान की भारत की सरकार, जिस तरीके से हम लोगों ने वॉकआउट भी कर दिया, सदन छोड़ करके बाहर भी चले गए, लेकिन उनकी संख्या बल अधिक होने के नाते, यानी कहने का मतलब उनकी बहुमत होने के नाते, उन्होंने बिल को पास कर लिया। लेकिन जब पास कर लिया तो हमारा जब किसान रोड पर आया और विरोधी पार्टी के लोग भी साथ देने का काम किए, तो सरकार को झुकना पड़ा और किसान विरोधी बिल को वापस लेना पड़ा। ये ताकत हमारे बहुसंख्यक साथियों के अंदर है, लेकिन हमें आपको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे लंबे चौड़े भाषण देंगे और जहां हमें आपको इकट्ठा होने की ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, तो मैं आपको विश्वास देना चाहूँगा कि हमेशा हम पिछड़े ही पिछड़े रहेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, 10% का आरक्षण जब लागू हुआ, हमें लगता है कि अगर ये बहुसंख्यक हम सभी लोग रोड पर आ गए होते, तो ये 10% जो आरक्षण हमसे पूछा जाता, कि सबसे पहले जो 80% के लोग हैं, उनका आरक्षण आपके पास क्या है, उनकी व्यवस्था क्या है, आप 15% के लोगों को 10% आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ये बहुसंख्यक के ऊपर अन्याय करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम सभी लोग रोड पर नहीं उतरे, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, हम सभी लोगों ने विरोध नहीं किया, तो बहुमत की सरकार आरक्षण भी लागू कर लिया। तो इस तरीके से, क्योंकि बहुत लोगों को बोलना भी है, अपनी बात को रखना भी है, हम लोग तो आपके बीच में हमेशा आने का काम करते हैं और हम सभी लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप सभी लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर हम सभी लोग आपस में बंटने का काम करेंगे, तो जो हमारा आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं अपील के साथ कि हम सभी लोगों को एक होने की ज़रूरत है, और जो आज बहुसंख्यक का संगठन है, आज इस संगठन के साथियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी लोग, जब भी हम सभी लोगों का सदन चलता है, आप सभी लोग बुला करके, अगर हम लोग लेट हो जाते हैं, भैया अभी अनिल जी ने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो अगर इतना जिस तरीके से आप लोग बुलाने का प्रयास करते हैं, तो मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग आपके साथ हैं। और जहाँ भी इस बहुसंख्यक का आदेश निर्देश होगा, चाहे वो सदन हो, कहीं भी आपकी बात को रखना पड़ेगा, तो आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। थोड़े से शब्दों के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।